Let's just start with some problem. Problem is, somebody has written इसने ऐसा लिख दिया है, एक स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक, एक वर्ड है। जब तक कोई रिटर्न नहीं दबाता हमें वो कैरेक्टर्स पढ़ते जाते, रिटर्न आ जाएगा तो हमें रुक जाए। अभी ये जो स्ट्रिंग पूरी पढ़ी हमने, उसमें से अलग अलग शब्द अलग अलग निकाल, ये शब्द एक स्ट्रिंग में, ये शब्द दूसरे स्ट्रिंग में, ये शब्द दूसरे स्ट्रिंग में, ये शब्द चौथे स्ट्रिंग, ये कैसे करें? ये प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन अपन अलग से साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पहले प्रॉब्लम को समझिए, क्या करना है। ये पूरा का पूरा जो इनपुट आप देंगे, आप इनको स्ट्रिंग में पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए लाइन स्ट्रिंग 80 डिग्री रखा, ये जो भी लाइन स्ट्रिंग रहेगी इसके अंदर आपको जो पूरा का पूरा एहसान ये सब इसमें आना चाहिए। एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, ये जो है ये लाइन स्ट्रिंग लाइन एसटीआर नाम की एरे डिफाइन करी, वो एरे में आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पढ़ना है टिल यू गेट ए जॉब। इज द फर्स्ट जॉब। सेकंड जॉब, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस इंडिपेंडेंट वर्ड्स। कितने वर्ड्स है मालूम नहीं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, दो भी हो सकते, एक भी हो सकते, मालूम नहीं कितने। जितने भी अलग अलग हैं उनको अलग अलग इकट्ठा करना स्ट्रिंग, तो वो अलग 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 नाम से स्ट्रिंग में इकट्ठा करने के टू डायमेंशनल एरे डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ये क्या होगा, 40x80 एलिमेंट का कैरेक्टर एरे डिफाइन कर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। इसमें रोज कितनी है, 40 रोज है। 0 एक रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉलम कितने हैं, 80 है। अब हमें ये करना है कि इसके जो कॉलम्स हैं यहाँ पर 80 कॉलम्स, हर एक रो में एक एक वर्ड निकाल के लाना। तो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट रो में क्या आएगा बताइए, ब्लैंक नहीं आना चाहिए वर्ड, वो ब्लैंक हमें इग्नोर कर, वो हेलो आ जाना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे बैक स्लैश 0 आना चाहिए ताकि ये स्ट्रिक हो जाए। ये अगर एक वर्ड मिल गया अपने को, आगे जो नॉन ब्लैंक कैरेक्टर होगा वहां से दूसरा वर्ड चालू हो जाएगा। यहाँ पे लिखे भी ये वर्ड भर गया, ये ब्लैंक आ गई, इस वर्ड को खत्म कर देंगे, तीसरा वर्ड शुरू करेंगे। तीसरा वर्ड क्या है, हाउ, फिर यहाँ जाना चाहिए और यहाँ पे बैक स्लैश 0 होना चाहिए। चौथा वर्ड है आर, और यहाँ पे आना चाहिए बैक स्लैश 0 होना चाहिए। आखिरी वर्ड है यू, यहाँ पे आना चाहिए बैक स्लैश 0 होना चाहिए। हमें ढूंढते रहना पड़ेगा, मान लो स्ट्रिंग में है कि नहीं मालूम, तब तक ढूंढेंगे हम जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। ये स्ट्रिंग हमने इसमें पढ़ी है लाइन स्ट्रिंग, तो जाहिर है कि जब उसको एंटर कोई दबाएगा, हमें एंटर कैरेक्टर मिलेगा, तो उसकी जगह हमें यहाँ पे बैक स्लैश 0 लगा देना ताकि ये भी वैलिड स्ट्रिंग हो जाए, ये भी वैलिड स्ट्रिंग हो जाए।
So अभी I will redefine the problem. Problem, somebody will type words on a line. He put like कुछ words type कर. Those words may be like this sample. Could be any words. We are told that words are separated by blanks. Our job, one, read the entire string in a character line. That is the first job. So we define the string. Second, separate out the words. Removing all the blanks. अभी separate words को भी store करना पड़ेगा. We have to store those separate words. So where do we store? So we define another two dimensional. Why we have said 40? I could have said 10 also, 20 also, 400 also. So what is the reason? Can you give me some justification? 40 क्यों लिखा है? मास क्यों नहीं लिखा? 10 क्यों नहीं लिखा? 100 क्यों नहीं लिखा? फोर्टी लाइन्स नहीं आ रही है, 40 वर्ड्स आ रहे हैं खाली, इसमें लाइन नहीं आ रही. देखिए इसमें कहीं भी लाइन नहीं है. यहाँ पे खाली एक वर्ड, यहाँ का एक वर्ड आने वाला, फिर उसी लाइन एक ही पड़ी हमने खाली. एक ही लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं अलग अलग कर रहे हैं. अगर हमको कई लाइन्स में इस तरह से करना पड़ेगा तो हम कई वर्ड्स लिखेंगे इसमें. हाँ, मैक्सिमम अलग अलग कितने वर्ड्स हो सकते हैं एक लाइन में? अरे इतना नहीं, एक ही लाइन. इस पूरी लाइन में देखिए, लाइन की लेंथ हमने लिखी है 80, यानी 79 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. अब ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है? एक अक्षर लिख दे, फिर ब्लैंक, अनदर लेटर ब्लैंक, अनदर लेटर ब्लैंक. एवरी लेटर इज अ सेपरेट वर्ड. नाउ इन 80 कैरेक्टर्स इफ यू हैव टू गिव अल्टरनेट ब्लैंक्स, देन how many blanks will be there? Half of them will be blanks, half of them will be letters. There can be at the most 40 letters. And therefore, in a line, there cannot be more than 40 words separated by comma. That is the reason. People can argue differently. And even if you give a larger number, it doesn't matter. But this is the reasoning. But again, I will repeat. Ye hum line mein nahi pad rahe hain. Line ek hi pad rahe hain. एक लाइन पढ़ के उसके शब्द अलग अलग करने के लिए हमें टू डायमेंशनल एरे चाहिए, क्योंकि एक एरे के एक रो में हमें एक वर्ड रखना है. ये 80 क्यों लिखे कॉलम? अगर 40 वर्ड लिखेंगे तो एक एक अक्षर का वर्ड हो जाएगा. ये 80 इसलिए लिखे कि मान लो किसी ने एक ही वर्ड लिखा पूरा, लाइन ही नहीं दी, तो वो पूरे 79 कैरेक्टर्स का हो जाएगा. पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग एक ही वर्ड हो, वो तो हमें रखना पड़ेगा. अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि टू डायमेंशन एल्गोरिथम कुछ रोज छोटी हो कुछ रोज बड़ी हो, ऐसा नहीं होता. इसलिए हम दिए ऐसे साइज, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन साइज इस तरह से तय. इसके बाद हमारे फ्रेंड ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं
and then you are here, you will write the program. So you will declare character. INSTR18, comma, word 40 by 5. 40 by 18. Then you will require a lot of indexes. First you will require an index for this word when you are filling up this thing. So you will require I for row index and let us say J for column index. So I will declare I and J. Next, what will I require? I would have read the line string like this here. I will require some index which will keep going to various positions of this line string, which has to be different from I and J. So let me say I use K here, and in my notebook I will write somewhere that the index here I use will be K. I will require the total number of words that I have so extracted. 5 है, 3 है, 2 है, कितने हैं मालूम है? उसको लिख देते हैं एंड वर्ड्स। और आगे अगर कुछ गरज पड़ी तो वी विल ऐड। सो दिस इज माय डिक्लेरेशन। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज रीड द गिवन इनपुट लाइन। जो लाइन दिया है इनपुट में वो पूरी की पूरी पढ़ना है आप। अब बताइए कैसे पढ़ेंगे लाइन स्ट्रिंग में या लाइन पढ़ना? सो टेल मी द इंस्ट्रक्शन नाउ दिस यू शुड बी एबल टू डू टेल यस एक कैरेक्टर वेरिएबल एक तो लगेगा तो क्या यूज करेंगे उसके लिए हमने एक्स यूज कर लेते हैं। आई एम राइटिंग वन वे ऑफ डूइंग इट, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। आई कैन से एक्स इज इक्वल टू गेट कैप, ये एक वर्ड आ गया। कब तक हमें पढ़ते रहना है यहाँ पे? जब तक एंड ऑफ लाइन नहीं आ जाए। भाई एक्स इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ लाइन, तब तक करते रहो जो भी मैं लिखा है यहाँ पे, ठीक है? क्या करना है मुझे? एक एक कैरेक्टर पढ़ के ये आरे में डालना है, लाइन स्ट्रिंग वाले आरे में। पहला कैरेक्टर तो हमने पढ़ लिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? लाइन स्ट्रिंग समथिंग इक्वल टू एक्स, तो एक्स चला जाएगा इसमें। लेकिन समथिंग क्या होगा, कहाँ जाना चाहिए इसमें? और देखिए हमने क्या सोचा था कि लाइन स्ट्रिंग का इंडेक्स होगा के, तो हम यहाँ पे के लिखेंगे। लेकिन के की वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए? सबसे शुरू में जीरो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे के इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। ये अगर भूल गए तो दवाई बच जाएगी। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ के इज रिक्वायर्ड। अभी तक हमने क्या किया है, एक अक्षर पढ़ा है, वी हैव रेड वन लेटर, वी हैव स्टार्टेड एन इटरेशन, एंड वंस वी गो इनसाइड द इटरेशन दैट लेटर वी आर असाइनिंग टू द केयर। तो ये पहले इस सेगमेंट जब एक्सीक्यूट होगा तो यहाँ पे ये पहली ब्लैंक आ जाएगी, शुरू में ब्लैंक करते हैं। अब इसके बाद हमें दूसरा लेटर पढ़ना है और ये रिपीट करना है, तो दूसरा लेटर इस रूप के एंड में पढ़ लेंगे, एक्स इज इक्वल टू जो पहला लेटर पढ़ा था डाल दिया। अभी नेक्स्ट लेटर पढ़ा, ये लूप खत्म हो गया तो वापिस जाएंगे हम यहाँ पर।
का वो चेक करेगा इज टू लेटर नॉट इक्वल टू बैक स्लैश एन, यहाँ तो दूसरा भी ब्लैंक है तो बैक स्लैश एन नहीं आएगा। फिर मैं आता हूँ इस तरह से मैं ये करते जाऊँगा जब तक ये सब लेटर नहीं आ जाए। एक गड़बड़ है, पहले लेटर में के इक्वल टू जीरो था सो द फर्स्ट कैरेक्टर वॉज पुट इन टू जीरो एट लोकेशन, यहाँ पे आई हैव रेड द सेकेंड लेटर आई एम गोइंग बैक एंड आई एम अगेन पुटिंग इट इन द जीरो एट लोकेशन। ठीक है, let this read the entire array entire characters। अभी इसी को सरलता से करने के लिए एक फंक्शन होता है get s, ये get s built-in फंक्शन है लाइब्रेरी का और get s लिखने से इसका मतलब है इनपुट पे जाओ जो लोग टाइप कर रहे हैं सब कैरेक्टर पढ़ते जाओ और जब भी कोई एट ऑफ गेट आते तो बंद कर दो भाई और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पढ़ेगा अपने आप। ये जो आपने किया है इतना सब काम ये खाली एक फंक्शन कर रहे, ये सबका सब काम ये एक फंक्शन करे, वन फंक्शन विल डू ऑल ऑफ। सो सपोज आई से फंक्शन कॉल, आप उस फंक्शन कॉल को वो कैरेक्टर एरे का नाम भेजते हैं और वो जो फंक्शन कॉल है वो कैरेक्टर एरे लेके अंदर ही अंदर ये सब कैरेक्टर पढ़ लेता है एक लाइन के, जहां पे भी एंड ऑफ लाइन आ जाएगा न्यू लाइन वहां पे तो अपने आप बैक स्लैश जीरो लगा के इस स्ट्रिंग को वापस भेज दे। सो गेट इज रिटर्न एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस बैक स्लैश। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं हमने कैरेक्टर्स को सब पढ़ लिए, ये जब आया एंड तो यहाँ से हम बाहर निकल के आ जाएंगे ऐसे करते जाएंगे और जब ये बैक स्लैश एल यानी न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर इसी तरह दबाया हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने बैक स्लैश जीरो नहीं लिखा तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा बैक स्लैश, नहीं तो हमें पता लेने चलेगा कि स्ट्रिंग खत्म कब, वो स्ट्रिंग यहाँ पे भी खत्म हो सकती है यहाँ पे भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है, इतने भी जब भी आपकी एंटर दबाते स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, ये हमें करना पड़ेगा। ये भी काम जो है वो गेट एस यानी इतना कोड लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दिस यू कैन जस्ट राइट गेट एस यू गेट एस। Getters takes all the characters that you type till you press enter. When you press enter, getters stops. And instead of enter भी पढ़ाया उसने, तभी तो उसको समझाता कि enter आया। So it will read this character it will also read enter. But the moment it reads enter, it says ah, input error. So enter को निकाल देगा और वहाँ पे backslash zero ला देगा। It will read enter. But instead of that, it will put a backslash. अभी enter कब पढ़ा? आपने ये backslash डालना है यहाँ पे। आप कहाँ डालें? Backslash हमें कहाँ डालना है? यहाँ पर डालना है। ठीक है, जिस जगह enter पढ़ा, कोई value है मान लीजिए k की। जैसे enter जब पढ़ा, तो k की value मान लीजिए थी 50 बार। ठीक है? तो 51st एलिमेंट जो है उसमें हमें बैकस्लैश जीरो लिखना चाहिए कि एंटर हटा के, दैट इज व्हाट वी शुड डू। हाउ विल यू डू दैट, व्हाट शुड बी द वैल्यू देयर, बिकॉज़ यू डोंट हैव 51 52, हाउ आर यू कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट इंडेक्स लाइक के, यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के हियर। सपोज आई राइट के हियर, विल इट बी ऑलराइट? स्ट्रिंग लेंथ तभी चलेगी जब किसी स्ट्रिंग में बैकस्लैश जीरो लिखा हुआ होगा, स्ट्रिंग लेंथ
बैक्सलैश जीरो अगर होगा तो पता कर दी कितनी लेंथ, बैक्सलैश जीरो तो है ही नहीं आपके, आप तो एक कैरेक्टर बन रहे हो, देयर इज बैक्सलैश जीरो, यू हैव गॉट ब्लैंक ब्लैंक हेलो ब्लैंक पर्ल ब्लैंक 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 क्यू ब्लैंक 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 एंटर, इतनी सी आई आ जाएगा, इसमें बैक्सलैश जीरो तो है नहीं। सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग, यू हैव टू मेक इट अ वैलिड स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को वैलिड बनाने के लिए आपको बैकस्लैश जीरो डालना है, कहाँ डालना है ये सवाल। यहाँ मैंने लिख दिया टेक, तो क्या हम टेक इंडेक्स यूज कर, अब सोचिए टेक की वैल्यू ठीक है कि ए प्लस वन लिखेंगे, चलिए ट्राई करते देख लीजिए, जब ये बैकस्लैश एन इसके अंदर गया तो टेक की वैल्यू 51 थी, मान लें बैकस्लैश एम तो इस एरे के अंदर कहाँ जा सकता है, खाली इस स्टेटमेंट से जा सकता है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी कुछ अंदर जाएगा, तो अदरवाइज देयर इज नो वे इट कैन गो, दैट मींस दिस बैकस्लैश एम वुड हैव गॉन हियर व्हेन ए वुड हैव बीन हाउ मच, सो हियर इज द क्वेश्चन, विल बैकस्लैश एम ever go inside this line state? ये आप ए लिख दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू है 51 मान लीजिए,
स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई? 51, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 अप टू 50 वैलिड कैरेक्टर से, और 51st पोजीशन में आपने एक्स्ट्रा 0 डाला, सो द लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू द एलिमेंट इंडेक्स वेयर द एक्स्ट्रा 0 है. इंसिडेंटली आफ्टर डूइंग दिस, सपोज यू हैड सेंट हियर इन 10 वर्ड्स and let us say name, just to find out what is the length. If you say with that one key correct, you can try this program out and try to say the following. See how मेजर इक्वेशन. अब इस इटरेशन में आप बार बार आएंगे
तो हर बार k की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अबे यहां पे मैं रफली इंग्लिश में लिखता हूं कि क्या मेरा एल्गोरिथम होना चाहिए। अगर कोई वर्ड है जिसे मान लीजिए मैं यहां HELL, यहां वो तो मुझे क्या करना है, जो भी वर्ड करंटली चालू है उसके अंदर ये कैरेक्टर डाल देना है। जैसे ये वर्ड मैं भर रहा हूं और मेरा के ये मिल गया मुझे और वो लेटर बैक नहीं है तो मुझे यहां डालना है, ये है तो यहां डालना है। अगर बैक आ गया तो क्या, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मुझे कोई लेटर ब्लैंक मिलेगा या लेटर ब्लैंक नहीं मिलेगा। तो मैं x को यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू लाइन स्ट्रिंग k, यानी जो भी लेटर है के वहां के k पोजीशन पे उसको x बना। अभी मुझे क्या करना है, इफ x इज नॉन ब्लैंक, अंग्रेजी में इफ x इज नॉन ब्लैंक तो क्या करना चाहिए, ये नॉन ब्लैंक कब आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। मान लीजिए मैं यहां पे हूं, मेरा x ये, उस समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस r को यहां पे असेंबल कर रहा हूं, उस समय i की वैल्यू 3 होगी और j की वैल्यू वन, तो जो भी पोजीशन है उस पे मुझे इस आर पर डाल दे। आई फाइंड अ नॉट लाइक कैरेक्टर, आई हैव टू पुट इट इन द करंट वर्ड वेयर एवर इट इज। इफ एनी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर कम्स then whatever is the current row number and current column number, I should insert this non blank character. If x is blank, अब क्या करना चाहिए मुझे? Blank कहाँ आ सकता है? यहाँ blank आ सकता है, यहाँ blank आ सकता है, यहाँ blank आ सकता है। Blank आ गया तो मुझे कुछ नहीं, अगला शब्द क्या है? भाई अगर यहाँ पे आ गया मैं तो कुछ करना तो है नहीं, यहाँ पे ब्लैक नहीं बनना मुझे कहीं, आई डोंट वांट टू कीप इट ब्लैक, सो इफ आई कम अक्रॉस दिस ब्लैक आई शुड जस्ट गो कैरी ऑन। आगे रहा हूँ उसे कंटिन्यू दी इटरेशन, कंटिन्यू का मतलब है बाकी जो नीचे लिखा होगा छोड़ दो, अगला इटरेशन चलो कंटिन्यू दी। बट दिस लुक्स वेरी सिंपल, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस तरीके से, मेरी i और j की वैल्यूज क्या है। मान लीजिए इनिशियल वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ पर हैं। अब देखते कैसे जाता है, ये स्ट्रिंग पढ़ना शुरू किया उसने और k इक्वल टू 0, k लेस देन नहीं k प्लस, ये जीरो है, जीरो इन कैरेक्टर एक्स में पढ़ा उसने, यहाँ आया इज एक्स नॉन ब्लैंक, कितना है तो यहाँ पे आएगा। चलो आगे के की वैल्यू बढ़ गई, के की वैल्यू क्या होगी, मान इज वन नॉन ब्लैंक, नो ब्लैंक, नीचे आ गई, के की वैल्यू बढ़ी, के इज टू, इस टू नॉन ब्लैंक, नो इस ब्लैंक, कम डाउन, के हो गया 3, अब ये आ गया है। अब इसने यहां पे आया, इज एक्स नॉन ब्लैंक, यस इट इज नॉन ब्लैंक, नाउ इट विल एग्जीक्यूट दिस। एक्स जो है वर्ड आई जे पे चला गया, यानी यहां है वैल्यू आ, ठीक है, यहां पे भी मुझे कंटिन्यू लिखना चाहिए क्योंकि अगला इटरेशन करना चाहिए, बाकी सब छोड़ कर यहाँ पे आ गया। k की वैल्यू बढ़ गई, k की वैल्यू हो गई अब 4, क्या वैल्यू होगी, e पढ़ रहा उसने, x में क्या आया, e, is e blank, no it is not blank, कहाँ जाएगा ये,
एच की जगह ही चला जाएगा, एच को ओवरराइट कर देगा, ये तो सही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी मैं इसको असाइन करूं कोई, तो मुझे इसका कॉलम आगे बढ़ा देना चाहिए। अब ये बराबर होगा, अब ये ई चलाएगा, जे इक्वल टू वन हो जाएगा, ई इधर चला जाएगा, एल पड़ेगा अगला जो है एल को एक्सेस करेगा, एल यहाँ चला जाएगा, एल यहाँ चला जाएगा, वो भी चला, ठीक है, वो चला गया तो हेलो वर्ब आ गया, एक्सेस जीरो नहीं आया, अभी हेलो आया। मैं तो कैरेक्टर स्कैन कर रहा हूँ, वो एरे को मैं देखते जा रहा हूँ, ये हेलो हो गया, इसके बाद अभी ब्लैक आ गया, नेक्स्ट कैरेक्टर के जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ब्लैक आ जाएगा। मैं यहाँ आया फिर से इस के मामले नो इज अ ब्लैक हियर कंटिन्यू ऑफिस है। अब ये करना इस डब्ल्यू नॉट दैट, यस इट इज नॉट दैट, क्या कर रहा हूं मैं, वर्ड आई जे इक्वल टू एक्स, यानी ये यहां पे डब्ल्यू लिख देगा तो गड़बड़ है। यानी ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये सबको सिपटा देगा, सब ब्लैक सिपटा के, लेकिन एक ही वर्ड में सब लिखे, मेरे अलग अलग वर्ड नहीं लिखे, आई वांट गेट सेपरेट वर्ड्स, ऑल वर्ड्स विल कम, आई डोंट वांट दैट। मींस व्हेन आई फाइंड द ब्लैक फॉर द फर्स्ट टाइम आई मस्ट सेट सम फ्लैग सेइंग नाउ आई शुड चेंज दिस इंडेक्स आई फ्रॉम 0 टू 1। If x is bad, two things I should do. And then continue. Okay. If character is bad, I should change I one. And then continue. Abhi, that means when I come to this W, after this plan, W will go here, will it go here, I has become 1, what is the value of J, J is here, so abhi kya ho jayega, aise nahi aayega, then W will now come here, because I has become 1, but J is still whatever it was, so abhi ye 1 aise dekhega, फिर उसके बाद एक प्लान के बाद कुछ और लिखेगा, ये भी ठीक नहीं, दो चीज फर्स्ट string in the first row who have not completed, where is backslash zero, ये यहाँ आना चाहिए था, नहीं लिखा है हमने। यानी जैसे हमें ये जानना जरूरी है, खाली blank नॉन ब्लैंक से नहीं पता चलता, एक वर्ड चालू हुआ है, एक वर्ड खत्म हुआ है, ये भी हमें पता करना है। देने वाले वर्ड एंड्स आर टू बैकस्लैश, देने वाले न्यू वर्ड स्टार्ट्स आर टू गो टू नेक्स्ट रो। So whenever a word ends, I can set things such that the next one can start. When does a word end? First blank after the long blank time. There is another problem here. For example, you take this. Initially, phase this here. This is blank. I will come here. What am I doing? I equal to I plus 1. Abhi tak kuch kahe hi nahi hai. फर्स्ट ब्लैंक पे आई इक्वल टू जीरो से वन हो गया, दूसरी ब्लैंक पे आई इक्वल टू टू हो गया, तीसरी ब्लैंक पे आई इक्वल टू थ्री हो गया, फिर जब ये पहला वर्ड आएगा तो ये हेलो यहाँ लिखना शुरू कर देगा, दैट इज नॉट करेक्ट। सो हाउ डू यू अरेंज द लॉजिक, सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ व्हेन ए वर्ड बिगिंस एंड व्हेन ए वर्ड एंड्स। अब ये कैसे कैसे पता चलेगा कि वर्ड कब शुरू है, वर्ड कब खत्म हो रहा है, इसके लिए हम एक फ्लैग का उपयोग करते हैं। सभी बूलियन डिसीजन, हमें याद रखना है कि वर्ड शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए हम लोग पढ़ते समय क्या करते हैं, व्हेन वी आर रीडिंग दिस बाय आवर सेल्फ, हमारे आंखों से देख के समझ रहे हैं, व्हेन आई एम हियर I know this is part of this word. When I am here, I know new word has started. When I am here, I know one word has ended. So
So this is ending our and this is starting our. A word starts when after one or more blanks, a non-blank character comes for the first time, then the word starts. A word ends when after a non-blank character, the blank comes for the first time. For example, here, this word ends here. But a word has not ended here, although that is also blank. पहली बार जब प्लान आया तभी वर्ड खत्म हुआ, उसके बाद तो नहीं खत्म। तो अभी नाउ हाउ डू आई रिमेंबर, तो क्या मैं कोई फ्लैग नहीं यूज कर सकता हूँ, एक झंडा लगा दिया वहां पर, एक वर्ड खत्म हो गया अगला वर्ड चालू हो गया, कैसे करूँ? लेट अस डिफाइन टू फ्लैग्स। I will define two flags, start word, end word. Please note, defining these as integer variables. लेकिन ये start word, end word की value जो है 15, 20, 50 ऐसे नहीं होने वाला, वो मैं flag करके use कर रहा हूँ। Flag का क्या importance रहता है दुनिया में? Flag या तो ऊपर रहता रहता है या नीचे रहता है। It has two states. It is either up or it is down. If it is up, means the word has started. If it is down, word has not started. If this flag end word is up, word has ended. If it is down, word has not ended. This is my convention. So I will assume it will have value 0 or 1, 0 or 1. ठीक है? इसकी initial state क्या है? जब हम ये string देखना शुरू करेंगे, तो इन दो flags की क्या condition होगी? As a word started, no, I don't know. As a word ended, definitely, a zeroth word has ended. इसके पहले कुछ नहीं था। मान लीजिए इसके पहले God ऐसा होती था। तो इसका मतलब क्या हो जाता? ये God के बाद की पहली line है, यानी ये word यहाँ खत्म हुआ है, word has ended. Has a new word started? No. So what should be the initial value of start word and end word? New word has not started, so start word should be 0. But a word has ended, so end word should be 1. End word का मतलब क्या हुआ? कि मेरी I की value बढ़ जानी चाहिए। मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ मैं थी, मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ मैं थी, मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ मैं थी। शुरू में तो कहीं भी नहीं हूँ, तो शुरू में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ आने से पहले मुझे ये इनिशियलाइजेशन करना है, तो मैं क्या क्या इनिशियलाइज करूंगा? स्टार्ट वर्ड इज इक्वल टू 0, एंड वर्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई इज इक्वल टू। तो स्कैन शुरू करने से पहले ही मुझे 0th वर्ड नहीं लिखना है, मैंने अगला वर्ड जो मेरा है वो 0th वर्ड। अगर कहीं बाद में एंड वर्ड मिल गया मुझे तो मैं आई को बढ़ा दूंगा। जब तक वर्ड नहीं मिलता है तब तक आई 0 है। शुरू होने से पहले मेरा स्टेट जो है वर्ड हैज एंडेड हाइपोथेटिकली, न्यू वर्ड हैज नॉट येट स्टार्टेड। कब स्टार्ट होगा? पहला नॉन
blank character मिलेगा तब word start। जब भी non blank character मिलेगा तो word start मत। अब मैं ये पहले flags को देखता हूँ कि flags की परिस्थिति क्या है। k equal to 0 कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। ये क्या character है? blank। एक डिसीजन। अब लॉजिक लिखे क्या क्या करना, कितनी पॉसिबिलिटीज है देख ली। पहली पॉसिबिलिटी जो हमने पहले ली कि के जो है नहीं यहां पर, तो इसका मतलब मेरा करंट वर्ड चालू है उसमें मुझे लिखना है जो पहले हमने लॉजिक लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं कहीं तो भी यहां बीच में, पहले भी प्लान था और उसके बाद में प्लान देखता हूं, छोड़ देना है मुझे कुछ करना नहीं। मुझे देखना क्या है कि पहला ऑनलाइन कैरेक्टर कब आता है। अब चूंकि मैंने यहां पे शुरू किया है, पहला ऑनलाइन कैरेक्टर मिलने से मुझे क्या करना है, कि फ्लैग को क्या करना है, फ्लैग को बढ़ाना है और फ्लैग को स्टार्ट वर्ड को अप कर देना है, एंड वर्ड को जीरो कर देना है। If I get the first non-blank character, provided end word was one earlier, पहला अक्षर अगर खत्म हो गया है तभी ये सब करना है। तो ये non-blank हुआ है कि यहाँ पे जाऊँगा तब भी non-blank होगा, क्या इस समय मुझे आय को बढ़ाना है, खाली यहाँ बढ़ाना है। यहाँ मैं कब आता हूँ, यहाँ जब आऊंगा तो flag की condition क्या रहेगी, मेरा start word zero रहेगा, end word one रहेगा, ठीक है। तो नाउ आई विल से इफ इफ एक्स इज नॉट ब्लैक, यानी ये कैरेक्टर पढ़ा हूं मैं कहीं तो भी यहां हूं, इसके भी यहां हूं नहीं तो। अब इसमें मुझे खाली क्या करना, अगर मैं यहां हूं तो मुझे देखना है कि नया वर्ड शुरू हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां हूं तो ये कैसे पता चलेगा, इसका प्रीवियस ब्लैंक, इसका प्रीवियस ब्लैंक को ये पता चलेगा। ये प्रीवियस ब्लैंक का इसका मतलब ब्लैंक का था, उससे हमें एंड वर्ड मिल चुका था, स्टार्ट वर्ड नहीं मिला था। सो नाउ इफ आई से इफ एंड वर्ड इक्वल टू 1 एंड स्टार्ट वर्ड इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना चाहिए, नया वर्ड चालू हो जाना चाहिए। यहां पर है आय बढ़ गया एक से और एच जो है एक्स जो है इस पे चला गया। एट दैट टाइम स्टार्ट वर्ड शुड बी कम जीरो, इट हैज नॉट येट बिकम जीरो, इट वाज वन अर्लियर। ओ सॉरी, स्टार्ट वर्ड इज एंड वर्ड इज वन एंड स्टार्ट वर्ड इज जीरो, शुरू में तो यही है ना, अभी तो चलता ना। ओके, लेट मी डू इट द अदर वे, आई विल वेलकम टू दिस। Perhaps you are looking at this. So let me first say,
if चलिए बताइए x ब्लैंक है तो क्या करें? If initially x is blank, I am still where I am. No change has happened. I will just continue. If these blanks are there, but now I want to distinguish between whether this blank is here. यहाँ पे है तो क्या करूँ? So you have to do different things. Whether you are here or here, it is different. In these three blanks. If you are here or here, you have to continue. But if you are here, you have to set the flag. You have to change I. You have to put backslash 0. J blank. J plus 1 is full word. So J plus 1 means if condition of the size J plus 1 full word and I can be. No, so I have to remember the previous word, the previous character. Let us think of it. To another way, all decisions are based on what was the previous character. Let us put it the other way around. Let us simplify this problem. Let me not do this end word, start word. Let me work out a simpler logic problem. Suppose you are at some position K. And let's say you are here. Let us consider the possibilities when A is pointing to a non-blank word, non-blank character, and the previous character, what it was. In this case, the previous character is a valid character, non-blank character. That means this should simply go into the current position of Y and J. Nothing is to change. But if A was here, then previous character was blank character. So this previous word should end. New word should start. But suppose now here, if the previous blank was there, then new word should start is correct. But is this blank ending the previous word? The previous word has ended here only. And how did we know that previous word ended? When the first blank came after the non-blank character. So the key issue is to remember what was the previous character, what is the current character. Okay? If I have these two, I will be able to set up my work. Let us examine that. So I have defined here K, X, and I will say pre-X, and then previous. इसके शुरू में प्रिंट एक्स को मैं ब्लैंक बनाता यहां से शुरू होने से पहले मुझे पता नहीं है whether I will get blank or not, but I will assume that prior to this there was a blank. So I am starting off. Now you tell me what should I do. How many possible conditions are there? One, the current character is blank, previous character was also blank. Two, the current character is non-blank, previous character was non-blank. That means this character is part of the current one. If previous blank, this blank, that means it was. That is the thing that we had written earlier. If blank and if non-blank, that is all there. But we have to do it not on the basis of X alone, but also on the basis of prevex. So if X is blank and prevex is also blank, ignore. If X is not blank and prevex is also not blank, insert in the current word. It was simple. Now the other two possibilities. If X is blank and previous character was non blank, stop the previous word. So increase R. Put a backslash 0, increase that. That's all. As a new word started, we don't know. And the last condition, if X is not blank, but prevex was blank, new word has started,
So go to the new world. In case we will simply close the old world. In another case, we will start the new world. And in the other two cases, we will either continue or we will insert. Suppose I use this one. Now, how does it work? Let us see. प्लांट है लेकिन प्रीवियस एक प्लांट नहीं था, ये कब हो सकता है? एक्स प्लांट है प्रीवियस एक प्लांट, एक्स प्लांट है प्रीवियस एक प्लांट, यानी जब एक शब्द खत्म होगा तभी ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें शब्द खत्म करना है। कैसे शब्द खत्म करेंगे हम? ये हम वर्ब में असेंबल कर रहे थे, ये जो पोजीशन थी वो नया अक्षर लेने के लिए तैयार थी। जो भी फाइंड वॉटर टू कैरेक्टर आई वुड हैव इंसर्टेड इट हियर, नाउ आई हैव नथिंग टू इंसर्ट, सो इट इज दैट दैट पोजीशन दैट आई शुड इंसर्ट बैकस्लैश जीरो द हर को क्लोज द प्रीवियस आई विल से।
ठीक, वर्ड आई से बैक स्लैश है, ये वर्ड खत्म हो गया। अगला वर्ड क्या मैं अभी चालू कर सकता हूँ? अगला वर्ड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मान लीजिए मैं यहां पर This is the previous noun था, ये वर्ड खत्म हो गया, लेकिन आगे कोई वर्ड ही नहीं, तो मैं क्यों चालू करूं? लेकिन एक काम करूंगा, एक वर्ड खत्म हो गया है तो नंबर ऑफ वर्ड्स को मैं एक से बढ़ाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स जो था यहाँ पर n वर्ड्स, इसको मैंने शुरू में n वर्ड्स इक्वल टू 0 लिखा और इस कंडीशन में आता हूं तो n वर्ड्स प्लस प्लस कर देना चाहिए, एक बढ़ गया ना, हेलो मिल गया मुझे, एक बढ़ गया, वर्ल्ड मिल जाएगा तो दो हो जाएगा। If I get how, 3, R, 4, U, 5, every time I cross a boundary, not blank followed by blank, one word will end and I will count the number of words. Continue. But wait, you have to set previous X. बिकॉज प्रीवियस सिक्स के ऊपर तो सुधारों बता रहे हैं, वो नहीं क्या आंसर है? नाउ द करंट एक्स इज ब्लैंक, सो प्रीवियस सिक्स विल अपीयर ब्लैंक। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो देयर अगेन, सपोज आई वाज हियर, आई विल गेट दिस ब्लैंक। सपोज आई वाज हियर, then the previous X is set to blank, next one will be not blank. If that happens, the other fourth possibility, there are exactly four possibilities. Either this is blank, previous blank, or this is not blank, previous blank, or this is blank, previous blank. And what is the fourth possibility? If X is not blank,
और ये सब लिखने के बाद में कि मैं फॉर लूप हमारी कन्विंस से लगे कि मैं करेक्ट बट डोंट बी कन्विंस वी माइट हैव मेड सम मिस्टेक राइट दिस प्रोग्राम टाइप दिस प्रोग्राम आई होप दिस डिस्कशन वाज यूजफुल समझ में आए कैसे लॉजिक लगा अब ये प्रोग्राम आपने लिखा है इसको ट्राई करो मशीन पे चलाओ और उसमें सी आउट स्टेटमेंट डालो एक एक वर्ड निकालने के बाद में के की वैल्यू क्या है वहां पर एन वर्ड्स की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू क्या है जे की वैल्यू क्या है ये उसमें आपको दिखेगा इसको हद से एग्जिट करो दो वर्ड का लिखो हेलो वर्ड इतना ही लिखो बीच में दो तीन लाइन डाल के देखो चलता है कि नहीं चलता बट यू आर कन्विंस दिस विल वर्क आई विल मेक ओनली वन सजेशन लुक एट दिस वी वर सेइंग दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट बिकॉज आफ्टर दिस वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स वी वांट टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ के That is why we are written continue. इसलिए continue लिखा। लेकिन अब अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम में चार if statement और चारों if जो है, वो unique है। अगर ये condition true है, तो बाकी तीनों true कभी नहीं होंगी। अगर ये true है, तो बाकी तीनों नहीं होंगी। तो इसलिए ये continue कहीं भी लिखने की हमें जरूरत ही नहीं। एक special case क्यों अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो मैं ये काम करूंगा लेकिन गारंटीड है कि ये कंडीशन ठीक नहीं रहेंगे आर यू श्योर आई हैव टू राइट दैट आई टेल यू व्हाई इफ दिस कंडीशन इज ट्रू यू आर चेंजिंग प्रीवेक्स अगर यहां से आप यहां आ जाते हो तो प्रीवेक्स की वैल्यू बदल रही है देखिए ये चारों कंडीशन जो लिखी है वो ये सोच के लिखी है कि हर कंडीशन ओरिजिनल एक्स और प्रीफिक्स के ऊपर काम करेंगे कोई भी कंडीशन सही होने के बाद आप प्रीफिक्स को चेंज कर रहे हो उसके बाद अगर आप कोई कंडीशन चेक करोगे तो बराबर नहीं होगा तो इसलिए ये कंटिन्यू लिखना जरूरी है यानी भैया ये कंडीशन अगर आपको मिल गई ये करो सीधे अगले के पे चले जाओ Don't check any other condition. You can understand what will happen if another condition is checked. Because prefix has checked. Every condition, you have to say either do this, or do this, or do this, or do this. But after checking one condition and going inside, never check other condition. Because in those conditions, you are comparing prefix with something. And prefix has changed color. So continuous statement is required in each of these. Understand? Understand.